महीने का कितना कमा लेते हो? जी 25,000। क्या सिर्फ 25,000? मॉम बुरा मत मानना बहन जी, लेकिन आज के जमाने में 25,000 में होता ही क्या है? पता नहीं तुम्हारा घर कैसे चलता होगा। 20,000 रुपए महीना तो हमारा नौकर राजू ही कमा लेता है, वो भी 2-4 घरों में काम करके। बेटा इसके अलावा और कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो क्या? जी नहीं भाई साहब, मेरा बेटा पार्ट टाइम जॉब तो नहीं करता, लेकिन मेरी बेटी मन्नत ट्यूशन पढ़ाती है और घर चलाने में मेरे बेटे की मदद करती है। वो सब तो ठीक है, घर तो खुद का है या किराए पर ही रहते हो? जी अभी तो हम किराए के घर में ही रहते हैं, क्योंकि वो क्या, व्हाट इज दिस, शादी के बाद मैं किराए के घर में रहूंगी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हम खुद का घर ले लेंगे। अच्छा अच्छा बेटा कोई बात नहीं। बेटा तुझे भी लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ ले। वैसे आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करती, पापा के रहते मुझे कभी कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन शादी के बाद मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्या काम करते हो? वो मैं कार कंपनी के शोरूम में सेल्समैन हूँ। क्या तुम एक मामूली से सेल्समैन हो? लेकिन ऑफिस तो कार से जाते होगे ना? नहीं कार नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक बाइक है जो भैया ऑफिस आने जाने के लिए यूज करते हैं। मॉम ये कैसा रिश्ता लाए हो आप मेरे लिए, इनके पास ना खुद का घर है ना कार है, शादी के बाद ये कैसे घुमाएगा मुझे, ऑटो में या बाइक पे? सुनिए ये क्या फटीचरों वाला घर लेके आए मेरी बेटी के लिए, तुमने तो कहा था मेरी बेटी राज करेगी, इनके तो खुद के ठिकाने नहीं है तो ये मेरी बेटी को क्या सुखी रखेंगे? ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का, चुप रहो बिल्कुल। अरे क्या चुप रहूं, इन्हें जितनी इज्जत देनी थी उतनी दे चुके हम, इससे तो अच्छा वर्मा जी का बेटा है, उसके पास गाड़ी है बंगला है वेल सेटल्ड है, हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। बस कीजिए आंटी जी, आप कितनी देर से हमारी बेइज्जती किए जा रही है, हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी शराफत का फायदा उठाए। आंटी जी अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अंकल जी को खुद का घर खरीदने में कितना वक्त लगा? बेटा 20 साल लग गए। सुनो तुम्हारे पापा को ये घर लेने में पूरे 20 साल लग गए और तुम एक 25-26 साल के लड़के से एक्सपेक्ट करती हो कि वो तुरंत ही घर ले ले? मेरा भाई जॉब करके पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है, क्या आप बता सकती हो आपकी बेटी कितना कमाती है? अपनी बेटी के लिए घर चाहिए गाड़ी चाहिए, आप अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हो या फिर कोई मॉल का ऑफर? कभी शांति से बैठकर लड़कों के बारे में भी सोचो, तब आपको पता चलेगा कि वो अपने परिवार की खुशी के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर देते हैं, लेकिन लड़की 25-26 साल तक डिमांड ही करती रहती है कि डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, हनीमून आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए और प्री वेडिंग का खर्चा कम से कम 3 लाख तो होना ही चाहिए, ये सब खर्चे लड़के ही क्यों उठाएं? आंटी जी कार तो मेरा भाई आज नहीं तो कल ले ही लेगा, लेकिन क्या आपकी बेटी इस काबिल है कि वो अपने पति से एक छोटा सा टीवी लेते हुए भी ये कह सके कि आधी पेमेंट मैं कर देती हूँ? क्या हम अपनी बेटियों को इस काबिल नहीं बना सकते कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभाल सके? आज समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पैसे से तो बहुत अमीर हैं लेकिन संस्कार के नाम पे बहुत गरीब। अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो ना तो लड़के की दौलत नहीं, उसका करेक्टर, उसका परिवार, उसके संस्कार ये सब देखो, तभी आपकी लड़की खुश रह सकेगी। भाई सब आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलो बच्चों।